हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रूबी शेयर आवर ब्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द लोग थर्सडे मार्केट की एक और खूबसूरत सी श्रृंखला, यानी एक और पार्ट। जिसने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो फटाफट जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ अपडेटेड हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छे वाले कमेंट्स नहीं आए कि किस किस ने क्या क्या शॉपिंग की है। भाई बता तो दिया करो क्या क्या शॉपिंग की है। ठीक है, एक टॉवल वाले भैया हैं वो बता रहे थे कि मेरा व्लॉग देखकर कोई आए थे, अब मुझे तो पता भी नहीं चला कौन आया और कौन शॉपिंग करके चला गया। एक मैं झूले वाले पार्क में एक भैया दिखाती हूँ जो व्हाइट कलर की ड्रेसेस सेंड करते हैं, मतलब बहुत सेल करते हैं, उनसे बहुत सारे किसी ने कुर्तीज़ खरीदी हैं मेरा व्लॉग देखकर, वो भी मुझे नहीं पता चला कौन लेके गया है। ठीक है, मेरे कल का और परसों का ब्लॉग जो था, कल मैंने हारून भैया के बहुत सारी ड्रेसेस दिखाई हैं, जिन्होंने मिस किया है वो जाकर देख लीजिएगा। मैं आपको इससे पहले सबा नर्सिंग होम वाली गली दिखा चुकी हूँ और उसके आगे जो अमूल मिल्क बोर्ड है वहाँ से लेके हारून भैया तक की शॉप भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कुछ हद तक मैंने गली नंबर 6 का भी अपडेट दे दिया था, नरेश भाई राहुल भैया के फुटवेयर दिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको और जो रेस्ट ऑफ द गली नंबर 6 है, मतलब जितना भी बचा हुआ है, वो मैं आपको सारा गली नंबर 6 का दिखाऊंगी और उसके बाद हम आगे चलेंगे झूले वाले पार्क की तरफ। ठीक है, लोकेशन दिखाती हूँ मैं। दिस इज अ ब्लू कलर ट्रांसफॉर्मर, इसके साथ ही कूड़ा घर है। यहाँ से आप ये देखिए, सामने ये गली है, बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। यहीं पे ये सारे भैया लोग आपको मिल जाएंगे राइट लेफ्ट में, और एकदम लास्ट में बैठेंगे हारून भैया जहाँ पे ये गली एंड होती है। ठीक है, मैं आ गई हूँ आपको गुड्डू भाई की शॉप पे लेके। ठीक है, ये जो सूट आप देख रहे हैं ये सब सोल्ड हो गए थे। एक मैम ऑलरेडी ये पूरा का पूरा एक गट्ठा होता है ना सूटों का, पूरा उन्होंने ले लिया था। सुबह भैया ने 7 o'clock से थोड़ा लेट ही शॉप ओपन करी थी, और ओपन के संग ही इतनी भीड़ थी ना बाबा इस शॉप में उस दिन, थर्सडे वाले दिन बहुत शॉप भीड़ थी। ये जितने ऊपर हैंग हो रखे हैं ना, जितने भी सूट आप देख रहे हैं, ये 950 से लेके 1150 तक, या किसी किसी का शायद इसमें 1200 हो सकता है, भैया ने 1150 बताया था वैसे रेट। इस रेंज में आपको ये सूट मिल जाएंगे। इनमें आपको दूसरा कलर मिल जाएगा सेम डिज़ाइन में, कोई एक आधा कोई पीस होगा जिसका शायद कोई कलर नहीं होगा, अदरवाइज इनमें आपको मिल जाएंगे। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है भैया का, ऑल ओवर डिलीवरी करते हैं ये, तो आप कहीं से भी घर बैठे एक सूट भी इनसे परचेस कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा है ना ग्रीन कलर का ये सूट, बहुत ही सुंदर थे। इसी रेंज के हैं ये, जितने मैंने आपको रेट बताया है 950 से 1150, इस रेंज में आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी सूट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, और जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में दिखाए थे ना वो रेडीमेड थे। इस बार भैया रेडीमेड का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन लाए थे, जो कि आते ही संग सोल्ड हो गया था। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ 850 वाले, ये जो भी आपको पन्नी दिख रही है सब 850 वाले सूटों की है इनकी। एक ये वाला सूट मुझे बड़ा पसंद आया था इनका, जो ग्रीन में भी एक जो इंग्लिश ग्रीन होता है ना वो वाला कलर था, बहुत ही सुंदर था। इसमें आपको दूसरे भी कलर्स मिल जाएंगे सेम डिज़ाइन में, पूरा इस पर नग का काम हो रखा था। और ये जितने आप सूट देख रहे हैं ये सब 650 की रेंज में हैं, ये जितने भी अभी आपको नज़र आ रहे हैं सब 650 वाले हैं। और इस बार भैया कॉटन के बहुत अच्छे सूट्स लेकर आए हुए थे, जिसने शॉपिंग की है ज़रूर बताना एक बार कमेंट सेक्शन में कौन कौन हैं वो मोहतरमा जो शॉपिंग करके गई हैं गुड्डू भाई के पास से। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आगे देखने को मिलते रहें। एक ये वाला पाकिस्तानी सूट था, ये भी 850 की रेंज में था, बहुत ही उम्दा था। ये जितने नीचे है ना इस तरह से थोड़ा सा जब लेडीज़ आती है ना तो सब फैला के अच्छे से देखती हैं, भाई उनकी भी गलती नहीं है, तो उस चक्कर में थोड़े फैले हुए हैं। एक ये पाकिस्तानी सूट देखिए कितना सुंदर है, ये 1050 की रेंज में था। ये इनकी बाहर की लोकेशन है, वो ब्लू कलर का ट्रांसफॉर्म है, मैं वहाँ से आई थी और ये सामने इनकी शॉप थी। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए हैं कौन से वाले भैया दिखाए थे, राहुल भैया, ठीक है, उनके बिल्कुल साइड में ये वाली एक शॉप है राहुल भैया के साथ में लगते हुए। यहाँ पे ना आपको रैंडम इस टाइप का सामान बहुत मिलेगा, इधर यूटेंसिल्स मिल जाएंगे किचन के, आपको ऐसे वाटर बॉटल्स मिल जाएंगी, कुछ जो कार के जो सीट कवर्स होते हैं उस टाइप के भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको 50 रुपीज़, 80 रुपीज़ इस टाइप के मिल जाएंगे। ये 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ के रेंज पे आपको इस तरह के बॉक्सेस मिल जाएंगे। कुछ भी आप मतलब ऑर्गेनाइजर्स बोल दीजिए या बॉक्स रख लीजिए, कुछ भी आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं। ईयर गर्ल्स के लिए तो स्पेशली इयर रिंग्स वगैरह ऐसे टाइट जार्स पे मिल जाएंगे 100 100 रुपीज़ की। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी और इनकी, ये भैया एवरी वीक इनका चेंज होता है, अब नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है ये लेकर आएँ।
पर इनके पास ऐसा ही कुछ रैंडम आइटम्स मिलेगा। वाटर बॉटल्स इनके पास मिलेंगी, इस टाइप के आपको बैग्स मिल जाएंगे इनके पास। और ये है वो मैं कह रही थी ना, कार के जो पीछे कुशंस लगाने के लिए होते हैं, हेड पे लगाने के लिए, पीछे कार की सीट पे लगाते हैं ये इस बार थे। नेक्स्ट टाइम लाएंगे नहीं लाएंगे कुछ नहीं पता भैया का, ऐसा ही कुछ आइटम्स ये रखते हैं। इनके बिल्कुल साथ में रईस भाई बैठते हैं, बिल्कुल जमे हुए हैं अपने जुतियों के साथ। इस बार भैया 250 और 300 की रेंज में थे, और रेट भैया इस बार डिस्काउंट बहुत अच्छा दे रहे थे। मतलब अगर आप एक दो जूती से एक साथ लेते हैं तो काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में भैया दे देते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं, डिज़ाइंस कलर ये भी देख सकते हैं, और इनके पास साइजेस भी मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी जूती का कोई भी साइज़ आपको चाहिए छोटा बड़ा, तो आप इनसे ले सकते हैं। मेरठ से आते हैं ये भैया, और थर्सडे वाले दिन इंद्रलोक में ही लगाते हैं, बाकी दिल्ली में और कहीं नहीं लगाते हैं। बाकी मेरठ में, बिजनौर में, मतलब और एक तो मतलब अलग अलग उसमें सिटीज़ में लगाते हैं भैया, दिल्ली में तो यहीं मिलेंगे आपको ये अपनी जूतियों के साथ। ठीक है, आगे आ गई हूँ मैं बच्चों वाली शॉप पे, गली नंबर 6 में। ये दो या तीन शॉप्स हैं जो बच्चों की ऐसे सेल करते हैं। ये भैया की तो अंदर पूरी शॉप ही ऐसी, बाहर इन्होंने लगाए हुए थे पटरी पे 160 के। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ आपको दोनों मिल जाएंगे, पूरी ड्रेस है ये, टी शर्ट के साथ आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएगी, जो भी आप अभी आप देख रहे हैं देखिए इस तरह की मिल जाएंगी। 11-12 साल तक के बच्चे की मिल जाएंगी, स्मॉल साइज से, मतलब 6 महीने से लेके न्यूबॉर्न के भी हैं इनके पास, वो बहुत छोटे छोटे साइज़ वो भी मिल जाएंगे आपको, और रेंज यही होगी 160। सिंगल टी शर्ट्स जो हैं वो 100 रुपीज़ की आपको यहाँ मिल जाएंगी, अगर आपको 100 मतलब जो सिंगल सिंगल टी शर्ट्स होती हैं। अगर खाली सिंगल निक्कर चाहिए आपको, जो शॉर्ट्स होती हैं वो चाहिए, तो वो भी आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगी। ज़्यादा छोटा जो साइज़ है वो 150 की दो मिल जाएंगे, इस तरह के भैया के पास मिलते हैं। लोअर्स अगर आपको चाहिए वो 160 का या 100 का, उस रेंज में खाली लोअर्स भी मिल जाते हैं इनके पास अंदर शॉप में। ये मैं बाहर का आपको दिखा रही हूँ जो था इनके पास। थोड़ा लेट ओपन करते हैं ये वाले भैया, 7:30 नहीं मतलब 8 बजे तक, 8:15 तक इनकी शॉप ओपन हो जाती है, जो आप अभी देख रहे हो। देखिए इसमें ये देखिए मैं बड़ा वाला साइज दिखा रही हूँ, ये जीन्स के साथ है, और ये फुल स्लीव की टी शर्ट और जीन्स। ये मैं अंदर शॉप इनकी अंदर शॉप में घुस गई थी वो दिखा रही हूँ। ऐसे आपको सिंगल टी शर्ट चाहिए ना तो ये आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज़ के, बड़े साइज जो हैं, गर्ल्स का भी है बॉयज़ का भी है। ये देखिए सारे टी शर्ट्स हैं ये मैं जो दिखा रही हूँ, और ब्रांड आप देख सकते हो डिस्नी का है ये, क्वालिटी अच्छी है, सारे फ्रेश हैं ये, न्यू मतलब आपको मिल जाएंगे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के हैं। ये मैं आ गई हूँ शोहेब भाई के पास, जो गुड्डू भाई की शॉप है ना उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये बैठते हैं, और राइट साइड में जो इससे पहले वाली शॉप दिखा रही थी ना मैं 160 वाली, वो बैठते हैं। तो गुड्डू भाई की राइट लेफ्ट में दोनों बच्चों वाले भैया आपको मिल जाएंगे। जितने टेबल पे ये दिख रहे हैं ये आपको 250 और 350 की रेंज में ये सारे मिलेंगे, जितने भी अभी आपको पीस दिख रहे हैं। और इस बार इस भैया के पास बड़े साइजेस बहुत अच्छे खासे थे। ये जो भैया अभी ये वाला भी 250 350 की रेंज वाला था जो नीचे दिख रहे हैं, इसमें जो थोड़े छोटे साइज है वो 250 के हैं, जो बड़े साइज है थोड़े वो 350 के भैया दे देंगे। भीड़ आप देख सकते हो कितनी भयंकर है यहाँ पे, और ये जो ऊपर हैंग कर रखे इनके सबके रेट्स अलग है, 500 600 700, कुछ कुछ इसमें ड्रेसेस आपको 1000 की भी मिलेंगी ऊपर जो हैंग है, और जो नीचे टेबल पे लगाते हैं भैया उसके रेट चेंज होते रहते हैं एवरी वीक। आपको लेगिंग्स चाहिए यहाँ पे तो 150 रुपये तक की लेगिंग्स ऐसे मिल जाएंगी, और इनके पास प्लाजोज हैं वो भी आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे। ये भी शोहेब भाई के बिल्कुल साइड में लगाते हैं, ये जो प्लाजोज हैं ये आपको आराम से 150 रुपये में मिल जाएंगे, फ्री साइज हैं, और इसमें लेगिंग्स में भी आपको XXL XXL तक मिल जाएंगी। ठीक है, नरेश भाई जो फुटवेयर वाले हैं उनके बिल्कुल अपोजिट ही वाली शॉप है कुर्ती की। इस बार ये देखिए चिकनकारी की कुर्ती लेकर आए थे भैया 300 रुपये की रेंज में, जितनी भी अभी आप देखेंगे इसमें सब आपको 300 रुपये में मिलेंगी, इस तरह की श्रक के साथ मिलेंगी, और आप ब्रांड देख सकते हैं। मैं साथ के साथ जिसका मुझे मिल रहा था ब्रांड मैं आपको दिखाती जाऊंगी, ब्रांडेड कुर्ती है 300 रुपये में, और यही आप मॉल से जाके लेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस रेंज में मिलेंगी। इसमें आपको साइजेस कोई भी मिल सकता है, सिंगल साइज मिलेगा सिंगल कुर्ती में, जैसे इसमें वाइट में आपको जो भी साइज होगा यही होगा। एक और देखिए और इलाका है ये देख, इसकी आप जब इसके मॉल में जाके या ऑनलाइन भी आप चेक कर लीजिएगा कितने की कुर्तीज आती हैं यहाँ पे, इनके पास आपको ये मिलेगी। इन्हीं की शॉप में बाहर भी ये मतलब पेंट्स देते हैं, पेंट्स होते हैं शरारा जैगिंग्स वो मिलती हैं, और इनके बिल्कुल अपोजिट
इन्हीं के भाई एक बैठते हैं जो टेबल पे लगाते हैं, वो 150 रुपये की कुर्ती देते हैं और वो भी ब्रांडेड ही होती हैं। तो आपकी इच्छा है आप अंदर से यहाँ से ले सकते हैं या बाहर वो टेबल पे लगाते हैं भैया उनसे ले सकते हैं, ये शॉप एक ही है दोनों, ठीक है। पर एक कुर्ती में आपको एक ही साइज़ मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा चॉइसेस नहीं है ज़्यादा कि आपको डबल चाहिए ट्रिपल, पर यहाँ पे मिल जाता है। ट्रिपल एक्सल तक के भी बड़े बड़े साइजेस भी मैंने देखे हैं, तो बस थोड़ा सा इशू ये आता है, अदरवाइज रेट के हिसाब से परफेक्ट है ये कुर्तीज़। यहाँ पे आपको पार्टी वेयर मिल जाएंगी, ये वाला देखिए कितना नेक पे कितना सुंदर काम हो रखा है, पूरा हैवी था ये, ठीक है, इस टाइप की वो क्या था ये वन पीस टाइप लुक में था श्रग वाले उसमें। ये देखिए जूडियो की है 300 रुपये की, एक ये डब्लू की है। मैं साथ के साथ आपको ब्रांड्स दिखा रही हूँ कुर्तियों के, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, बीबा की भी मिल जाएगी, ये सभ्यता की है एक्सल साइज की, बीबा की भी यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन इधर मतलब ऐसा नहीं है नॉन ब्रांडेड नहीं है, नॉन ब्रांडेड भी आपको मिलेंगी, पर बहुत सारी इसमें ब्रांडेड होती हैं और बहुत सारी होती हैं, मतलब आप थक जाओगे, इतनी सारी इनके पास कुर्तीज रहती हैं, मैं तो पूरी कवर भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब खुद ही थक जाती हूँ मैं इनकी लगातार, वो वीडियो इतनी लंबी बन जाती है इनकी शॉप की मेरी। तो एक अगर आ रहे हो तो ज़रूर विजिट करना, ये भैया 7:30, कभी कभी 7 बजे ओपन कर लेते हैं, पर 7:30 तक आप इनकी शॉप पे आओ तो ओपन हो जाती है, 7:30 पौने 8 बजे ओपन मिल जाएगी, कभी कभी मिलते हैं 7 बजे भी। पर ये पर सेफ एंड साइड, ये देखिए मैक्स की कुर्ती है, ब्रांड आपको मैं साथ के साथ दिखा रही हूँ, और ये बड़ा साइज था। यहाँ पे आपको काफ्तान वाली जो ड्रेसेस होती है ना वो भी बहुत इजीली मिल जाएंगी, भैया से बस पूछ लीजिएगा कि भैया काफ्तान चाहिए। एक और ये देखिए मैं आपको डब्लू के ही पीस दिखा रही हूँ, आपको जो बाहर टेबल पे मिलेंगी ना वो भी ऐसे ही मैं ब्रांड्स के ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं की ही शॉप की वो कुर्तीज होती हैं और ये सब फ्रेश हैं। एक एक करके देखिए, और जो फैब्रिक होता है जो ब्रांडेड है उसमें तो आपको आराम से वो मिल जाएंगी कॉटन की। एक ये देखिए जॉर्जेट में है, नॉन ब्रांडेड है, ये टॉप है जो साइड कट वाले टॉप्स होते हैं ना पार्टी वेयर, वो था मतलब वेस्ट तक के साइज तक का आपका होगा, वेस्ट साइज तक का, बहुत प्यारा था पार्टी वेयर टॉप। ऐसे वन पीस ड्रेसेस हैं, एक ये है गाउन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, गाउन का साइज थोड़ा बड़ा होता है वो आपको अल्टर कराना पड़ेगा। ये इनके देखो शॉप के बिल्कुल गेट पे बाहर ही इन्होंने ये 100-100 रुपये की लेगिंग्स लगा रखी थी, लेगिंग्स भी वो इसमें सब मिक्स हैं, लेगिंग्स हैं, पैंट है, शरारा है और स्कर्ट भी है। देखिए सब 100 रुपीज से मिलेगा, कुछ भी आप पिक कर सकते हैं इसमें से, सब फ्रेश है। इस तरह के शरारा मिल जाएंगे आपको 100-100 रुपीज के, स्कर्ट बड़ी प्यारी प्यारी आई हुई थी इनके पास, इस टाइप के शरारास थे। एक ब्लू कलर का बहुत हैवी मतलब शरारा था, मैं सोचा था लेने की पर मुझे समझ नहीं आया मैं उसको किस चीज के साथ कैरी करूं, मैंने फिर उसे छोड़ दिया, मैं दिमाग नहीं चल रहा है छोड़ो। ऐसी देखो ये अफगानी जो पैंट्स होती है ना ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, किसी को अगर रेंडम अंदर से कुर्ती ले लो और बाहर से इनके टेबल से ही पैंट ले लो तो आपका पूरा सूट कॉम्बिनेशन हो जाएगा 400 रुपये में, नहीं तो ये 150 रुपये की कुर्ती ले लो और वहाँ से 100 रुपये की पैंट, 250 रुपये में पूरा सूट रेडी। ये 150 रुपये की है, बिल्कुल सामने इन्हीं की शॉप है, ये बाहर लगाते हैं पटरी पे ये टेबल पे। ये कि श्रग मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था, वी नेक का है और अच्छा था, और ये शायद किसी सभ्यता या किसी ब्रांड का था आई थिंक। एक ये था वन पीस था, ये स्मॉल साइज था, नहीं तो मैं शायद ले लेती, एक्स्ट्रा स्मॉल था, स्मॉल भी नहीं था एक्स्ट्रा स्मॉल था ये। अब वो ये ना अपनी जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है उसमें आपका साइज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कभी कभी मिल जाता है। बड़ा साइज हो ना तो ज़रूर ले लो आप मेरी मानो तो, क्योंकि उसे आप ऑल्टर करा सकते, छोटे का थोड़ा दिक्कत होती है अंदर मार्जिन नहीं है तो फिर लूज नहीं करवाया जाता, पर बड़े में तो आप ले सकते हो आराम से, इजीली एक सिलाई लगाओ और तैयार है सूट, ठीक है। आगे ये टी शर्ट्स वाले भैया हैं, ये सारी नॉन ब्रांडेड टी शर्ट्स हैं, 160 की हैं, बॉयज़ की टी शर्ट्स मिलेंगी आपको, गर्ल्स की इच्छा है अगर वो पहनना चाहती हैं तो इस तरह की पहन सकती हैं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है बॉयज़ के कपड़ों पर, वो जो चाहे पहने, ठीक है। ये देखिए सब बॉयज़ की है नॉन ब्रांडेड, और इनके पास 4XL तक के साइज थे भैया के पास एक्स्ट्रा स्मॉल से, बच्चों के भी यहाँ मिल जाएंगे। आगे मैं आ गई हूँ झूले वाले पार्क में, बिल्कुल एंट्री पे ये भैया मिलेंगे, 750 रुपये की ये वाली कुर्तीज दे रहे थे। ऐसी कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ आपके पास, आपको अथर भाई के पास मिलती हैं कुर्ती,
और उस बिल्कुल वैसी वैसी ये कुर्तियाँ इनके पास थी। देखिए सब 750 की रेंज में है और ये साइज़ आपको मिल जाएंगे इनके पास, सारे साइज़ थे भैया बताती थी। देखिए सब कॉटन की हैं, हमेशा अभी पिछले कुछ बार से भैया यही वाली कुर्ती लेकर आ रहे हैं। और छोटे शॉर्ट्स इनके पास कुर्ते भी थे जो 100-100 रुपीज़ में दे रहे थे। ये सारी कुर्ती आप अदरवाइज़ ले सकते हैं इनसे। ये जो ग्रीन वाली देख रहे हैं बिल्कुल राइट में, ये पूरा सूट है 750 का। इसी का दूसरा कलर इसके पीछे लगा हुआ है, पीच कलर का। बिल्कुल इसमें कश्मीरी वो कढ़ाई जो होती है ना, लखनवी कढ़ाई टाइप, वो पूरा थ्रेड वर्क का काम था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये सूट सूट विद पैंट थी, और ये वही कॉटन का है। और ये जो मैं कुर्ते कह रही थी ना, ये आपको मिल जाएंगे 100-100 रुपीज़ के। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, टाटा।